बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरशाद बारी ताला है, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कुरान पाक ने औरत को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। इसने औरत को वो इज्जत दी है जो इससे पहले कभी इसे हासिल ना हुई। इसने समाज में इसका सर इतना बुलंद किया है जितना कभी बुलंद ना हुआ। इसने जो मुआशी तहफ्फुज़ इसे अता किया है, नज़ूल कुरान से पहले कभी इसे हासिल ना हुआ। नज़ूल कुरान से पहले दुनिया में हक को इंसाफ का नहीं, जुल्म और बारबरियत का राज था। हमेशा ताकतवर ने कमजोर को दबाया और मर्दों ने औरतों को सताया। इन्हें हमेशा पैरों की जूतियों की तरह रोंदा। आज मगरबी तहजीब का सलूक भी औरतों के साथ पहले से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज़ादी नस्वां और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के खुशनुमा और दिल फ्रेम नारों से कतई नजर इनके अंदरूनी हालात का जायजा लें तो साफ नजर आएगा कि औरत वहाँ महफिलों की जीनत भी है और चूल्हे का ईंधन भी। औरत वहाँ छोटी बड़ी कुर्सियों पर जलवा अफरोज भी है और अपनी जिंदगी से बेजारो गमों से दिल फरगार भी है। वो ऊपर से चमकती और लहराती हुई नजर आएगी मगर अंदर से आग में पड़ी हुई दरख्त की हरी टहनी की तरह सुलग रही है। पाकिस्तान में कुछ मुसलमान औरतें मगरबी तहजीब को फॉलो करने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।